हेलो फ्रेंड्स देखिए आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है थ्री पॉइंट फोर फ्रेंड्स आज हम एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देखिए हमारा फ़र्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है Solve द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन method. हमारे पास दो इक्वेशंस दी है इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं देखिए किस टाइप से सॉल्व करना है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स प्लस वाई इज एकल टू फाइव एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्स प्लस वाई इज एकल टू फाइव विच इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो है टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर विच इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है देखिए फ्रेंड्स एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है कि दोनों इक्वेशंस के कॉफिशियंट से डैट मीन्स या तो एक्स के कॉफिशियंट से या तो y के कोफिशेंट से इक्वेशंस को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है डैट मीन्स देखिए सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट वन है तो एक्स का कोफिशियंट वन है तो उससे इक्वेशन सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और इक्वेशन टू में एक्स का कोफिशियंट टू है उससे इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं इस टाइप से फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई टू मतलब इक्वेशन वन को एक्स का कोफिशियंट जो है टू उससे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं एंड इक्वेशन सेकेंड बाय वन और इक्वेशन सेकेंड को एक्स का कोफिशियंट वन है उससे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं दोस्तों यदि एक्स के कॉफिशेंट ना लेना चाहे तो हम y के कोफिशियट से भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं डैट मीन्स देखिए y का कोफिशियंट वन है उससे सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लीकेशन कर दो और y का कोफिशियंट माइनस थ्री है उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लीकेशन कर दो ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम x के कोफिशेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशंस को या y के तो इस क्वेश्चन में हम x के कॉफिशेंट से डैट मीन्स एक्स का कोफिशियन जो टू है उससे इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक्स का कोफिशेंट जो वन है फर्स्ट इक्वेशन में उससे हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो होल इक्वेशन का मल्टीप्लाई इस टाइप से हो जाएगा एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई बाई टू देखिए टू का मल्टीप्लीकेशन पूरी इक्वेशन में करना है और ये हो जाएगा टू एक्स माइनस ऑफ थ्री वाई इज टू फोर वन वन का मल्टीप्लीकेशन इस पूरी इक्वेशन में हमको करना पड़ेगा फ्रेंड्स हम टू का इंटू एक्स में करते हैं तो हमारे पास आता है टू एक्स प्लस ऑफ टू का मल्टीप्लीकेशन वाई में करा तो टू वाई आ जाएगा एंड फाइव टू ज टेन इज टेन टेन वैल्यू आ गई अब देखिए वन का मल्टीप्लीकेशन टू एक्स में करेंगे तो टू एक्स आएगा माइनस ऑफ वन इंटू थ्री वाई इज थ्री वाई विच इज इक्वल टू फोर इंटू वन इज फोर देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको माइनस करना पड़ता है जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा डेट मीन्स टू एक्स पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर साइन माइनस का है माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस में है प्लस फोर है डेट मीन्स ये हो जाएगा माइनस मतलब माइनस करने पर हम साइन चेंज कर सकते हैं देखिए टू एक्स से टू एक्स एलिमिनेट हो गया है ये टर्म ज़ीरो हो गई टू वाई प्लस ऑफ थ्री वाई टू वाई और प्लस थ्री वाई विच इज़ ईक्ल टू फाइव वाई विच इज़ इक्वल टू टेन माइनस फोर इज टेन माइनस फोर इज सिक्स डेट मीन्स वाई का जो वैल्यू आ रहा है वाई इज इक्ल टू आ रहा है हमारे पास सिक्स अपॉन फाइव हमारी जो वाई की वैल्यू है फ्रेंड्स वो सिक्स अपॉन फाइव आ गई है अब हम इस वैल्यू से एक्स की वैल्यू निकालते हैं देखिए y की वैल्यू सिक्स अपॉइंट फाइव को हम कोई भी इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं तो हम लिख देते हैं यहां पर पुटिंग वैल्यू ऑफ y विच इज इक्वल टू सिक्स अपॉइंट फाइव इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं देखिए y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेगी तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू फाइव एक्स प्लस वाई की जगह वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा सिक्स अपॉन फाइव विच इज इक्ल टू फाइव एंड x इज इक्वल टू फाइव माइनस सिक्स अपॉन फाइव देखिए फाइव माइनस सिक्स अपॉन फाइव तो हमें एल सी एम लेना पड़ेगा तो फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स अपॉन फाइव दैट मीन्स एक्स इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स इज़ नाइनटीन तो ये हमारा एक्स का वैल्यू जो आ गया वो नाइनटीन अपॉन फाइव है फ्रेंड्स और जो वाई का वैल्यू है हमारा वो सिक्स अपॉन फाइव है देखिए हमें हमारे पास एक्स और वाई की दोनों वैल्यू आ गई एक्स इज ईक्ल टू नाइनटीन अपॉन फाइव एंड वाई इज ईक्ल टू सिक्स अपॉन फाइव फ्रेंड्स देखिए अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्ल टू टेन एंड सेकंड इक्वेशन इज़ टू एक्स माइनस टू वाई इज टू टू देखिए ये हमारी दोनों इक्वेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबरिंग कर देते इक्वेशन को वन और टू दे देते डेट मीन्स ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस ऑफ फोर वाई इज इक्वल टू टेन विच इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड टू एक्स माइनस ऑफ टू वाई इज इक्वल टू टू विच इज आवर सेकेंड इक्वेशन नाव मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय देखिए इक्वेशन फर्स्ट को हम एक्स का कोफिशियंट जो सेकेंड इक्वेशन में टू है उससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे ठीक है मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू एक्स का कोफिशियंट है टू सेकेंड इक्वेशन में एंड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशेंट थ्री है तो उससे इक्वेशन टू का मल्टीप्लीकेशन करना है देखिए जिस भी कॉफिशियंट से चाहे x हो या चाहे y के कॉफिशेंट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो टर्म हमेशा एलिमिनेट हो जाती है किस टाइप से हम लिख सकते हैं ऐसे लिखेंगे थ्री एक्स प्लस ऑफ फोर वाई विच इज़ इक्ल टू टेन देखिए इक्वेशन फर्स्ट को हम टू से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और हमारी इक्वेशन सेकेंड है टू एक्स माइनस ऑफ टू वाई विच इज़ इक्ल टू टू इसे हम थ्री से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पूरा होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है हमें टू इंटू थ्री इज़ सिक्स एक्स प्लस ऑफ टू इंटू फोर इज़ एट एट वाई हो जाएगा टेन इंटू टू इज़ ट्वेंटी अगेन थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स माइनस ऑफ थ्री टू ज़ा सिक्स वाई एंड सिक्स हेयर इज़ सिक्स देखिए जब माइनस करा जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस है तो ये वैल्यू प्लस और ये प्लस में है प्लस सिक्स है तो माइनस हो जाएगा डैट मीन्स जिसके कॉफिशियंट से आप मल्टीप्लीकेशन करते हो वो टर्म हमेशा एलिमिनेट हो जाती है सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स इज़ ज़ीरो एट वाई प्लस ऑफ सिक्स वाई विच इज़ इक्वल टू फोरटीन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी माइनस सिक्स इज़ फोर्टीन डैट मीन्स वाई इज़ इक्वल टू फोर्टीन बाई फोर्टीन डैट मीन्स वाई इज इक्वल टू वन देखिए हमें वाई का वैल्यू वन मिल चुका है अब हम वाई का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करते हैं हम लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं थ्री एक्स प्लस ऑफ फोर वाई विच इज़ इक्वल टू टेन एंड थ्री एक्स प्लस ऑफ देखिए वाई का वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं फोर इंटू वाई दैट मीन्स फोर इंटू वन विच इज़ इक्वल टू टेन एंड थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस फोर थ्री एक्स इज इक्ल टू टेन माइनस फोर इज सिक्स एक्स इज इक्ल टू सिक्स अपॉन थ्री डेट मीन्स एक्स इज इक्ल टू टू देखिए फ्रेंड्स हमें दोनों वैल्यू मिल गई है देयर फॉर हमारी जो एक्स का वैल्यू है वी गेट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ टू एंड वाई इज एकल टू वन देखिए वाई का वैल्यू वन है और एक्स का वैल्यू टू फ्रेंड्स अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखिए हमारी थर्ड इक्वेशंस इस टाइप से है दोनों थ्री एक्स माइनस ऑफ फाइव वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो एंड नाइन एक्स इज इक्ल टू टू वाई प्लस सेवन सबसे फर्स्ट हम लोग हमेशा इक्वेशंस को पहले नंबर आउट कर लेते हैं मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन जो भी रहती है हम लोग दे देते हैं देखिए इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस फाइफ वाई माइनस फोर है तो फोर को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस फोर लिख सकते हैं विच इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और सेकेंड इक्वेशन है नाइन एक्स इज इक्ल टू टू वाई प्लस सेवन डेट मीन्स टू वाई को ट्रांसपोज करेंगे टू वाई प्लस टू वाई है तो ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस टू वाई आ जाएगा मतलब इक्वेशन हम ऐसा बना सकते हैं नाइन एक्स माइनस ऑफ टू वाई

यहाँ पर x का कोफिशेंट नाइन है सेकेंड इक्वेशन में नाइन से मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन को किया है और फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशंट थ्री है थ्री से मल्टीप्लीकेशन हम सेकेंड इक्वेशन का कर रहे हैं डैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस ऑफ फाइव वाई विच इज़ इक्वल टू फोर मल्टीप्लीकेशन ऑफ नाइन नाइन से मल्टीप्लीकेशन करते और ये हो जाएगा नाइन एक्स माइनस ऑफ टू वाई विच इज़ इक्वल टू सेवन इन टू यहाँ मल्टीप्लीकेशन हम थ्री से करेंगे देखिए फ्रेंड अब हम एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे नाइन थ्री जै ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस ऑफ फोर्टी फाइव वाई इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हो जाएगा थ्री का मल्टीप्लीकेशन नाइन में ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस ऑफ सिक्स वाई विच इज़ इक्वल टू ट्वेंटी वन देखिए ये ट्वेंटी वन हो गया ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी सेवन एलिमिनेट हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा देखिए ये माइनस है तो ये प्लस हो गया ये प्लस में है माइनस हो गया फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव प्लस सिक्स वाई माइनस फोर्टी फाइव प्लस सिक्स वाई इज माइनस थर्टी नाइन माइनस थर्टी नाइन वाई विच इज़ इक्वल टू देखिए थर्टी सिक्स में से हम माइनस करते हैं ठीक है थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी वन इज़ फिफ्टीन ईयर इज़ फिफ्टीन डैट मीन्स वाई इज एकल टू फिफ्टीन अपॉन माइनस थर्टी नाइन देखिए थ्री से कैंसिल कर सकते हैं हम इसे थ्री फाइव ज़ फिफ्टीन एंड थ्री थर्टीन ज थर्टी नाइन डेट मीन्स हमें वाई का वैल्यू मिला वाई इज ईक्ल टू माइनस फाइव अपॉन थर्टीन देखिए माइनस फाइव अपॉन थर्टीन हमारी वाई की वैल्यू आ गई अब इस वाई की वैल्यू को हम चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर हम सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं ठीक है हम इसको हमारी फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे थ्री एक्स माइनस ऑफ फाइव वाई विच इज़ इक्वल टू फोर थ्री एक्स माइनस फाइव वाई की वैल्यू है माइनस फाइव अपॉन थर्टीन विच इज़ इक्वल टू फोर डेट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया एंड फाइव का मल्टीप्लीकेशन करेंगे फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टीन विच इज़ इक्वल टू फोर देखिए फ्रेंड्स अब हमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा और ये वैल्यू को हम ट्रांसपोज भी कर सकते हैं चाहे तो तो हम सबसे पहले वैल्यू को ट्रांसपोज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टीन देखिए अब हम एलसीएम लेते हैं सबसे पहले हम एलसीय ले लेंगे हमारा एल लेने पर थर्टीन फोर् आ जाएगा फिफ्टी माइनस ऑफ ट्वेंटी फ़ाइव अपॉन थर्टीन डैट मीन्स एक्स इज़ इक्वल टू आ सकता है फिफ्टी टू माइनस ट्वेंटी फ़ाइव इज़ ट्वेंटी सेवन ये वैल्यू हमें ट्वेंटी सेवन मिल रही है तो हम ऐसा लिख सकते ट्वेंटी सेवन अपॉन थ्री इंटू थर्टीन देखिए फ्रेंड अब ट्वेंटी सेवन को हम थ्री से कैंसिल कर सकते हैं काट सकते हैं वन टाइम यर इज़ नाइन डेट मीन्स एक्स का वैल्यू हमें नाइन अपॉन थर्टीन मिल गया देखिए हमारी एक्स की वैल्यू नाइन अपॉन थर्टीन है और जो वाई की वैल्यू आई है वो माइनस फाइव अपॉन थर्टीन आ गई है फ्रेंड्स अब हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारे फोर्थ क्वेश्चन की इक्वेशन इस टाइप से है एक्स अपॉन टू प्लस टू वाई अपॉन थ्री इज एकल टू माइनस वन एंड एक्स माइनस वाई अपॉन थ्री इज वल टू थ्री देखिए सबसे पहले हम इस दोनों इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में बना लेते हैं डेट मीन्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो हमें एलसीएम करके इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन टू प्लस ऑफ टू वाई अपॉन थ्री विच इज़ इक्वल टू है माइनस वन टू और थ्री का एलसीएम लेके सिक्स आएगा डैट मीन्स यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये सिक्स आएगा डैट मीन्स यहाँ आ जाएगा थ्री एक्स प्लस ऑफ फोर वाई अपॉन सिक्स विच इज इक्वल टू माइनस वन डेट मीन्स इसे और प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते थ्री एक्स प्लस ऑफ फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स देखिए सिक्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन में करा तो माइनस सिक्स आ गया ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई देखिए हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है फ्रेंड्स जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो ये है डैट मीन्स एक्स माइनस वाई अपॉन थ्री विच इज़ ईक्ल टू थ्री अगर थ्री का एल्सीम लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास थ्री एक्स माइनस वाई अपॉन थ्री विच इज ईक्ल टू थ्री और थ्री एक्स माइनस वाई इज ईक्ल टू थ्री थ्री ज नाइन देखिए ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई फ्रेंड्स यहाँ कॉफिशेंट सेम है आप डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हो देखिए थ्री एक्स है यहाँ पर इस इक्वेशन में भी थ्री एक्स है डेट मीन्स हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं तो ये इस टाइप से हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स एंड सेकेंड इक्वेशन थ्री एक्स माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू नाइन देखिए हम माइनस करेंगे माइनस साइन चेंज हो जाएगा ये माइनस का प्लस हो जाएगा ये प्लस में है माइनस हो जाएगा डेट मीन्स थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स इज़ कैंसिल आउट फोर वाई प्लस वाई इज़ फाइव वाई विच इज़ इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस नाइन इज़ माइनस फिफ्टीन डेट मीन्स वाई इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन अपॉन फाइव एंड वाई इज इक्ल टू माइनस थ्री देखिए हमें y का वैल्यू मिल गया y का वैल्यू माइनस थ्री है अब ये माइनस थ्री को हम कोई भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में चाहे तो सेकंड इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं हम पुटअप करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन सेकंड। देखिए हम सेकंड इक्वेशन में अप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपके पास थ्री एक्स माइनस वाई इज ईक्ल टू नाइन डेट मीन्स थ्री एक्स माइनस ऑफ देखिए y का वैल्यू माइनस थ्री है तो यहाँ पर आया माइनस थ्री विच इज इक्वल टू नाइन थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस ऑफ थ्री विच इज़ इक्वल टू नाइन एंड थ्री एक्स इज एकल टू नाइन माइनस थ्री डैट मीन्स थ्री एक्स इज वल टू नाइन माइनस थ्री सिक्स एंड x इज वल टू सिक्स अपॉन थ्री डेट मीन्स एक्स इज इक्वल टू टू देखिए हमें एक्स का वैल्यू मिल गया हमारा एक्स का वैल्यू टू है और जो वाई का वैल्यू निकाला था वो है वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री देखिए दोनों वैल्यू हमारी आ चुकी है फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करे शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू